हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने देखा ही होगा वीडियो के थंबनेल में कि आज हम तीन 2D ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट ड्राइंग है ये वाला, सेकंड ड्राइंग हम बनाएंगे ये, और लास्ट और सबसे तीसरी ड्राइंग है ये। तो बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो से। इसमें सबसे पहले हम कमांड सी का यूज़ करेंगे, सर्कल। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले ये एक छोटा सर्कल बना है 28 रेडियस का। तो पहले ये हम पुट करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में लाइन कमांड का यूज़ करके यहाँ पे 35 लेंथ पे हमको एक लाइन देना है। 35 ये 23 का लेंथ पे दो लाइंस देनी है। यहाँ पे कमांड एल का यूज़ कर लेते हैं। 23 तो 11.5 ऊपर रहेगा और सेम एज इट इज़ 11.5 नीचे भी रहेगा। और यहाँ पे एक लाइन दे देनी है। फिर उसके बाद इसको हम ट्रिम कर देंगे दोनों लाइन को, और जो मिडल की लाइन है वैसे भी हमें इसका कोई काम नहीं है तो ये डिलीट कर देते हैं, इरेज। इसको हम एज इट इज़ दूसरे साइड पे कॉपी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम मिरर का यूज़ करेंगे, MI एंटर, सर्कल का मिडल पॉइंट, नो। ये हमारा इनर पार्ट रेडी हो गया है, अब इसको ट्रिम कर देते हैं। सेकेंड चीज़, हम इसमें इसके ऊपर का जो सर्कल है ये ले लेते हैं, ये वाला सर्कल। यहाँ पे कमांड सी का यूज़ करके यहाँ पे 60 रेडियस एंटर, अब यहाँ लाइन कमांड का यूज़ करके हम यहाँ पे ऊपर 110 एंटर करते हैं, यहाँ पे 110। उसके बाद ये दो सर्कल्स, एक R30 है, एक डायमीटर 20 है, तो R डायमीटर 40 है तो R20 हो जाएगा। तो कमांड सर्कल का यूज़ करके 20, फिर से कमांड सर्कल का यूज़ करके 30। उसके बाद से एक लाइन देना है, ये लाइन को सिलेक्ट करके कॉपी, 10 पे इसको रेस्ट कराना है, सेम एज इट इज 10 पे इसको रेस्ट कराना है। फिर जो अनवांटेड लाइन से इसको ट्रिम कर देते हैं। इसका तो यूज़ नहीं, तो इसको डायरेक्टली हम इरेज कर देंगे। ट्रिम कर देते हैं ये वाला एक पार्ट, और ये वाला एक पार्ट हम ट्रिम कर देते हैं इसको। फिर उसके बाद में ये पूरा पार्ट सिलेक्ट करके एरे पोल कमांड का यूज़ करके ये हो गया। अब ट्रिम करते हैं ये सब में। अरे, आपका फर्स्ट ड्राइंग रेडी हो चुका है एज इट इज़। जैसा ये ड्राइंग है वैसे ही इसमें भी रेडी हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड ड्राइंग पे। ये हमारी सेकंड ड्राइंग है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कमांड सर्कल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे दिया है 30 डायमीटर तो 15 रेडियस ले लेते हैं। फिर उसके बाद में बाहर एक और सर्कल है उसको भी ले लेते हैं। बाहर का सर्कल है 25 रेडियस का, 25 रेडियस ले लेते हैं। उसके बाद में हम
ये लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम लेने वाले हैं टैप को, आप क्लिक करके 45 डिग्री डाल दो, ये लाइन अपने आप वहाँ पे सेटल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम कॉपी करेंगे, बीच में दोनों के बीच में जो स्पेस है वो 12 का है, मतलब 6 हम ये साइड में 6 ले लेंगे और ये साइड में भी 6 ले लेंगे, ये साइड्स में हम 6 ले लेते हैं। सेम एज इट इज इसको भी कॉपी कर लेते हैं 6 पे, ये कॉपी हो चुका है। अब कमांड सी का यूज़ करके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 45 रेडियस पे एक सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ पे भी सेम 45 रेडियस पे हम एक सर्कल डाल देते हैं। बाकी के जितने भी अनवांटेड पार्ट्स हैं उसको हम इरेज कर देते हैं, ये ट्रिम भी कर देते हैं। अब इसको एरे पोलर का यूज़ करके यहाँ पे फाय है, फाय डाल देंगे, ये हमारा अंदर का जो पार्ट्स है लगभग रेडी हो गए, इसको ट्रिम कर देते हैं। अंदर का पूरा पार्ट अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, इसको एल एल लाइन कमांड का यूज़ करके तक लेके जाते हैं, दोनों के जो दोनों का डिस्टेंस है वो हम 72, हमने यहाँ पे 72 दोनों का डिस्टेंस रखा है तो हम इसको 72 ही लेंगे। यहाँ पे हम 72 ले लेते हैं। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर 30 लिया है, तो हम भी यहाँ से 72 लिए हैं तो ऊपर L 30 ले लेंगे, यहाँ पे 30 डाल देते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे दो सर्कल हैं, एक रेडियस 10 पे है और एक रेडियस 15 पे है, सेम एज इट इज़ हम रेडियस 10 और रेडियस 15 पे दो सर्कल ले लेते हैं। अब ये हमने ऊपर 30 लिया था, नीचे भी 30 का ही दो सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम डायरेक्टली इसको कॉपी कर लेंगे 60 पे। अब दोनों को लाइन दे देनी है, एल सबको, सब लाइन को एक साथ ले लेंगे। अनवांटेड पार्ट है तो इसको इरेज कर देंगे, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे ट्रिम कमांड यूज करते हैं, ट्रिम कमांड यूज हो चुका है। एक बड़ा सर्कल लेंगे 50 का, यहाँ पे इसको कर्व देने के लिए, इसको छोटा सा कर्व देने के लिए यहाँ पे हम कमांड सर्कल का कमांड यूज़ करेंगे सी एंटर। उसके बाद मैं राइट क्लिक करके 10 10 रेडियस दोनों पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, फाइव एंटर, सेम एज इट इज नीचे के साइड भी हम करेंगे सी एंटर, राइट क्लिक 10 10 रेडियस दोनों पॉइंट सिलेक्ट करके फाइव एंटर। अभी जो भी इसका अनवांटेड पार्ट है उसको ट्रिम कर देते हैं। ये हो चुका है।
ये हमने राइट साइड में तो कर दिया, अभी लेफ्ट साइड में करने के लिए ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। मिरर कमांड का यूज़ करेंगे, MI एंटर, सर्कल का सबसे मिड पॉइंट लेंगे और नो, ये आ गया है। अब इसको एक ट्रिम कर देते हैं, ये पूरा जो आपका सेकंड ड्राइंग था ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी ड्राइंग के ऊपर, जो कि ये है। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो थर्ड ड्राइंग हम चालू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम अंदर वाला सर्कल बनाएंगे, सी एंटर। ये डायमीटर 20 है तो 10 रेडियस ले लेते हैं। उसके बाद में बाहर के साइड में एक और ये सर्कल है, 70 डायमीटर का, तो इसको 35 रेडियस लेते हैं। लाइन ले लेते हैं एक जो एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगी, सर्कल कमांड का यूज़ करके। यहाँ पे हमको दो सर्कल बनाने, एक 6 डायमीटर पे और एक रेडियस 8 पे। तो यहाँ पे 6 डायमीटर पे मतलब 3 रेडियस रहेगा, और सेकेंड वन जो रहेगा वो 8 रेडियस है, तो डायरेक्टली हम 8 एंटर कर देते हैं और ये लाइन को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे दोनों सर्कल हम सेलेक्ट करके एरे पोलर का यूज़ करेंगे। उसके बाद में ये सर्कल को सेलेक्ट करके एक्सप्लोड कर देंगे। बिना एक्सप्लोर के आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ ट्रिम वगैरह कुछ नहीं कर सकते हो। फिर ये सर्कल का हमें यूज़ ख़त्म हो गया है तो इसको डिलीट कर देते हैं। सी एंटर, राइट क्लिक, 10 10 रेडियस, ये दोनों सर्कल सेलेक्ट करके 25 एंटर। उसके बाद में ट्रिम कर देंगे, सेम ये जो आर्क बनाए हमने इसको सिलेक्ट करके एरे पोलर कमांड का यूज़ करेंगे और एंटर। जो ये हमारा ये आ रहा है इसको ट्रिम कर देंगे, सारे सर्कल को ट्रिम कर देंगे और ये थर्ड ड्राइंग भी रेडी हो चुकी है। फर्स्ट हमने ये ड्राइंग तैयार की, सेम सेकेंड ड्राइंग ये है हमारी और थर्ड ड्राइंग ये है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।